नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्ष में एक बार अप्रैल माह में हमें जीपीए प्रपोजल देना होता है और जीआईएस कटौती करवानी होती है। और ये जीपीए प्रपोजल हमें अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से देना होता है और उसी के आधार पर आपकी जीआईएस कटौती होती है। जीआईएस कटौती एक सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है जो हमें हमसे एक निश्चित प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से लिया जाता है और उसके बाद में अगर दुर्घटना से किसी भी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उसके परिवार को सहायता राशि के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं। लेकिन इस बार के जीपीए प्रपोजल यानी कि जो जीआईएस कटौती है उसमें परिवर्तन किया गया है। इस बार की जीआईएस कटौती, जैसे कि पिछले वर्षों में जो जीआईएस कटौती निश्चित होती थी सबकी समान रूप से ₹220, लेकिन राज्य सरकार ने इस बार जीआईएस के अलग अलग स्लैब दिए हैं जो वैकल्पिक रखे गए हैं। जैसे अगर आप चाहो तो ₹220 कटा सकते हो, जिसमें जो बीमा राशि दी जाती है वो ₹3 लाख दी जाती है। उसके बाद में आप ₹700 भी कटा सकते हैं, जिसमें आपको ₹10 लाख की बीमा राशि है का प्रावधान है। उसके बाद में आप ₹1400 भी कटा सकते हैं, जिसमें ₹20 लाख तक, और उसके बाद में ₹2100 ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें आपको ₹30 लाख तक का फायदा राज्य सरकार तब देगी जब किसी भी कार्मिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में दरअसल समस्या क्या आ रही है, ये आ रही है कि जीपी प्रपोजल क्या प्रत्येक वर्ष सभी को देना अनिवार्य है या नहीं है, इसको लेकर आज आदेश जारी हुए हैं। और ये जो आदेश है निदेशालय राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग की ओर से, और इसमें कहा गया है कि अगर आप इस स्लैब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको जीपीए प्रपोजल देना है। जीपीए प्रपोजल सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है और ऑनलाइन ही इसको आपको देना है, और ऑनलाइन देने के बाद में इसकी एक हार्ड कॉपी संबंधित डीडीओ को देनी है। अब जैसे आप देखिए इसमें क्या कहा गया, वर्तमान में राज्य कार्मिकों द्वारा सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के प्रपोजल फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जा रहे हैं, जिसमें प्रीमियम स्लेब ₹200 और मनोनयन में परिवर्तन नहीं होने की दशा में प्रपोजल सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपना जीपी जो कटौती है जीआईएस की वो अगर ₹220 ही रखना चाहते हैं और अगर आप पहली बार नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो आपको बिल्कुल भी ये प्रपोजल देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसके पहली बार है तब तो आपको देना पड़ेगा, और पहली बार नहीं है तो आपको, अगर आप उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं प्रीमियम में, तो आपको इसमें बिल्कुल भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और आपको न ही किसी प्रकार का कोई जीपीए प्रपोजल देना है। अगर आप परिवर्तन कहते हैं तो उक्त परिप्रेक्ष्य में समस्त राज्य कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे पे मैनेजर पर माह अप्रैल दे मई 2021 के वेतन में से आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से प्रीमियम स्लेब का चयन कर कटौती करवा लें और दिनांक 31 मई तक आवश्यक रूप से सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के प्रपोजल फॉर्म SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करते हुए ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र संबंधित डीडीओ को प्रस्तुत करें। अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो 31 मई 2021 तक आपको ये ऑनलाइन आवेदन देना होगा और उसके बाद में इसकी जो हार्ड कॉपी है वो संबंधित डीडीओ के पास जमा करनी होगी। इसके साथ साथ आपका जो पे मैनेजर है तो पे मैनेजर में आपकी जो कटौती होती है उसमें ₹220 से लगाकर ₹1400 तक की कटौती आवश्यक रूप से करवा लें। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपको बाद में समस्या हो सकती है। उसके बाद में सभी विभागाध्यक्षों, कोषाधिकारियों, डीडीओ विभाग के जिला कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उन निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए। कहने का मतलब ये है कि जीपीए प्रपोजल उन्हीं लोगों को देना है, उन्हीं साथियों को देना है जो जीआईएस स्लेब में परिवर्तन करवाना चाहते हैं। अगर आप जीआईएस स्लेब में परिवर्तन नहीं करवाना चाहते तो आपको जीपीए प्रपोजल देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जीपीए प्रपोजल देने हैं तो उतनी राशि आपको कटवानी भी आवश्यक है, जो संबंधित डीडीओ के पास आपको उसका हार्ड कॉपी देना होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।